हेलो नमस्ते, केम छो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यूके में लैंड होने के बाद जो है क्या क्या चीजें करनी चाहिए। एंड आज की इस वीडियो में मैं अपना जो बीआरपी कार्ड है जो कि पोस्ट ऑफिस या तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी से लेना होता है यहाँ पर, वो भी मैं लेने जाने वाला हूँ। एंड अभी मैं हूँ अपने होस्ट के घर पे। ये मेरा होस्ट का रूम है, यहाँ पर ही रात को मैं सोया था। मेरे जो होस्ट है वो फिलीपींस से है, तो अभी वो वीडियो में आना प्रीफर नहीं करते, तो उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए मैं उनको वीडियो में नहीं लूंगा, पर मैं आपको उनका दिखाऊंगा। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से पोस्ट ऑफिस जो है मेरा बीआरपी कार्ड लेने के लिए। और रास्ते में मैं आपको मतलब सारी इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा कि कौन से जो चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपको लेनी चाहिए और सब डॉक्यूमेंटेशन है वो सब करने चाहिए, जिससे कि आपका आगे का सफर जो है एज ए स्टूडेंट बहुत ही अच्छा रहे। तो अभी मैं अपने होस्ट का जो यहाँ पर लिविंग रूम है वो आपको दिखाता हूँ। ये जो है पूरा किचन एरिया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर मेरे बैग पड़े हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल घर है इनका। ये यहाँ पर मेरे जो होस्ट है वो पिछले 7 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। यू कैन से हाय। उनको ऑलरेडी यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी है, एंड परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के बाद यहाँ पर हम 1 साल के बाद यहाँ के सिटीजन बन सकते हैं, पर उनको बनना नहीं है, तो उनको बस परमानेंट रेजिडेंसी लेके उन्होंने रखी है। हम कह सकते हैं कि वो हाफ सिटीजन बन चुके हैं यहाँ के। अब जो जब भी चाहे वो यहाँ पर आ सकते हैं बिना कुछ मतलब वीज़ा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, और अनलिमिटेड वर्क भी कर सकते हैं मेरे जो होस्ट है यहाँ पर। तो अभी मैं निकल चुका हूँ अपने होस्ट के घर से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। एंड आज आप देख सकते हो यहाँ पर वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही रेयर होता है कि जो धूप निकलती है, तो आज वो मतलब दिन है तो काफ़ी अच्छा है। स्वेटर वो सब अपने साथ लेके नहीं चलना पड़ेगा। तो आप जब भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर लैंड करोगे कोई भी एयरपोर्ट पर, तो आपको वहाँ से सिम कार्ड बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो आप जो भी सिटी में जाएंगे वहाँ पर जाके आप सिम कार्ड नया ले सकते हो। एयरपोर्ट पर वाईफाई फ्री होता है, तो आप जो भी अपना काम है या फिर किसी को अपना फ़ोन करना हो घर पर, वो सब आप वाईफाई यूज़ करके कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जब भी हम इंडिया में अपना स्टूडेंट वीज़ा और बायोमेट्रिक अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तब वहाँ से वो लोग हमें फ्री में एक सिम कार्ड देते हैं। लेबारा कंपनी का जो सिम कार्ड आता है वो मुझे मिल चुका था इंडिया से ही। सो आप जब भी फ्लाइट पकड़ो तो उससे पहले ही वो सिम कार्ड अपने मोबाइल में इंसर्ट कर लो, तो यहाँ पर आके आपको तुरंत तो फ्री आपको नेट वो सब मिल जाएगा, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। मतलब यहाँ पर आके कोई नया सिम कार्ड भी नहीं लेना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सिम कार्ड के रिलेटेड, अभी आगे और भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो अभी मैं स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। एंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आके, वो है कि आपका जो मतलब ट्रेन का जो कार्ड है यहाँ पर मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए वो ये आपको लेना है। तो उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पर आके ये ओइस्टर कार्ड जो यहाँ पर नॉर्मल सा कार्ड होता है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जो फॉरेक्स कार्ड है वो वाईफाई वाला हो, तो जैसे कि अपने कोई भी इंडियन बैंक का जो कार्ड हो वो वाईफाई वाला हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो अमाउंट है वो सेम होगा। पर अगर आप ये वाला कार्ड लोगे तो ये कार्ड में आपको मतलब 5 पाउंड जो है आपकी डिपॉजिट लगेगी, और ऊपर से आप जितना चाहो वो रिचार्ज करवा सकते हो। पर उसके बाद जो थोड़े दिन बाद जब भी यहाँ पर हम स्टूडेंट बन जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट्स का स्पेशल ओइस्टर कार्ड होता है, तो वो ओइस्टर कार्ड में हमें कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, तो बाद में फिर वो अप्लाई करना होता है। पर ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं बताती, मेरे होस्ट ने मुझे बताई, तो वो मैं आपको अपने पहले से आपको मैं शेयर करता हूँ। तो आप ये वाला कार्ड मत लेना यहाँ पर आके। अगर आपके पास जो फॉरेक्स कार्ड हो वो वाईफाई वाला हो, तो नियो का जो प्रोबेबली कार्ड होता है वो वर्क करता है। पोस्ट ऑफिस पहुंच चुका हूं मैं, एंड अभी अभी मैं अंदर गया था पोस्ट ऑफिस के। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये यहाँ की पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस और जो सुपरमार्केट है दोनों साथ में है ये। तो अभी अभी मैं अंदर गया था और फाइनली मुझे मेरा बीआरपी कार्ड मिल चुका है यहाँ पर। जब इंडिया में हम जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा अप्लाई करते वक्त जो फॉर्म होता है उसमें हमें एड्रेस मतलब मेंशन करना होता है कि कहाँ से हमें कलेक्ट करना है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी डाल सकते हो, या तो फिर आप जो नियर बाई यूनिवर्सिटी के नियर बाई जो भी पोस्ट ऑफिस होगी वहाँ पर आप सर्च करके वो जो भी आप कोड डालोगे पोस्टल कोड, तो वो वहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो 1-2 दिन में आप यहाँ पर विजिट कर लो और अपना बीआरपी कार्ड ले लेना, क्योंकि बीआरपी कार्ड मिलने के बाद ही हम यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। बीआरपी कार्ड मिलने के बाद हमें एक एनआई नंबर अप्लाई करना होता है, जो कि ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाता है। उसकी एक वेबसाइट है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप एनआई नंबर अप्लाई कर सकते हो। तो बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी के पास आया हूँ। ये जो पीछे आपको 2 बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये वाला एंड ये बिल्डिंग, ये दोनों मेरी यूनिवर्सिटी है। मैं आपको मेरी यूनिवर्सिटी का नाम बताता हूँ, यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड। एंड फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया, ये एरिया बहुत ही मतलब बड़ा है एंड ब्यूटीफुल एरिया है। यहाँ पर ऐसे
ब्रिज भी बनाया है एंड ऐसे आर्टिफिशियल एक रिवर भी है यहाँ पर, वहाँ पर फाउंटेन है। जब भी आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में पहली बार आते हो तो आप अपना आईडी कार्ड वहाँ से कलेक्ट कर ले। फर्स्ट आपको वो आईडी कार्ड लेने के लिए ऑनलाइन एनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी पड़ती है, तो वो अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी से अपना आईडी कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर आके करनी चाहिए वो है अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना। एक रिवॉल्ट बैंक है जहाँ पर हम अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसमें कुछ भी मतलब चार्ज नहीं लगते, पर वो जो बैंक है वहाँ की यहाँ पर इसकी एक्चुअल ब्रांच नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन बैंक ही है, तो आपको चाहो तो वो ओपन करवा सकते हो। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको यहाँ पर आने से पहले या तो फिर आने के बाद जो है ध्यान में रखनी चाहिए वो है अपना अकोमोडेशन ढूंढना एंड अपनी जॉब ढूंढना। तो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। As always, be happy, be positive, keep traveling and enjoy your life.